बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के घर से एक दुखद खबर आ रही है। उनकी मां का निधन हो गया है। मिथुन की मां शांति रानी चक्रवर्ती दुनिया से चल बसी। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार चल रही थी, उम्र संबंधी परेशानियां थी और 6 जुलाई को कहा जा रहा है उनका निधन हो गया है। अपनी मां के निधन की जानकारी खुद मिथुन ने तो नहीं दी है, उनके बेटे नामाशी ने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी दादी मां नहीं रही और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। तो मिथुन के जो भी तमाम फैंस हैं, उनके जो करीबी दोस्त हैं या फिर उनके जो बॉलीवुड के दोस्त हैं, वो सब उनके घर पहुंच रहे हैं और एक्टर को जो है उनकी मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक्टर की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के लिए ये एक दुख की घड़ी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल जो है दिव्या खोसला एक्ट्रेस जो है उनकी माँ का निधन हो गया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये शेयर करके बताया था कि उनकी माँ चल बसी। और अब खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती की माँ शांति रानी चक्रवर्ती का निधन हो गया है। और मिथुन चक्रवर्ती अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा जुड़े थे। अगर वो बॉलीवुड में सुपरस्टार बने तो हमेशा उन्होंने अपनी माँ को इस बात का क्रेडिट दिया। आपको बता दें कि मिथुन बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। बॉलीवुड में उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया और उसके बाद उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। परिवार उनका इस तरह का था कि आपको बताएं कि मिथुन कभी बंगाल में रहते थे और उनका परिवार जो है मिडिल क्लास फैमिली रहा और परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा आर्थिक सपोर्ट उनको नहीं मिला। आपको ये बताएं कि मिथुन चक्रवर्ती अपने भाई बहनों के साथ जोड़ा बागान इलाके में जो है रहा करते थे। मिथुन के जो बड़े भाई हैं वो नक्सली आंदोलन से जुड़ गए थे और उनके साथ मिथुन भी चले गए थे और इसी में उनके भाई का निधन हो गया था, जिसके बाद से मिथुन को उनके परिवार वालों ने पुणे भेज दिया था, जहां फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया और वहां एक्टिंग का कोर्स करने के बाद बॉलीवुड में उन्होंने लंबे समय तक छोटे छोटे रोल किए। उनकी एक फिल्म आई थी मृग्या, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, लेकिन मृग्या के रिलीज़ होने के बाद भी, उनको अवार्ड मिलने के बाद भी मिथुन को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था। बहुत लंबा स्ट्रगल किया उन्होंने, कई सारी फिल्मों में साइड रोल किए। जब भी वो फिल्म मेकर्स के दफ्तर में जाया करते थे तो उनको ये कहा जाता था कि आपका रंग बहुत सांवला है, आप फिल्मी पर्दे पर ठीक नहीं दिखेंगे। वहीं बॉलीवुड की भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं मिथुन के साथ स्क्रीन शेयर करने से हिचकती थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब मिथुन की फिल्म आई डिस्को डांसर और इस फिल्म से उनका करियर चमका। उसके बाद पूरा 80 का जो दशक था वो मिथुन के नाम रहा। वो दौर था जब अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पे था और उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती जो है बॉलीवुड के फलक पर छा गए थे। 80 और 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद के दिनों में मिथुन दा जो हैं वो पूरी तरह से ऊटी शिफ्ट हो गए। वहाँ उनका होटल का बिजनेस था और धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में ध्यान देना कम कर दिया और धीरे धीरे वो फिल्मी दुनिया से दूर रहे। बाद में उन्होंने वापसी की तो उन्होंने बहुत सारे साइड रोल्स किए और अभी भी वो फिल्मों में एक्टिव हैं, कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों बंगाली रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस की शूटिंग में व्यस्त हैं और इसका 12वां सीजन फिलहाल चल रहा है। वैसे भी मिथुन जो है डांस बेस्ड रियलिटी शो उन्होंने जी टीवी के साथ भी लंबे समय तक किया हुआ है और बॉलीवुड फिल्मों में भी उन दिनों वो नज़र आते हैं, छोटे मोटे किरदार करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बांग्ला इंडस्ट्री से भी फिलहाल जोड़ कर रखा है। मिथुन चक्रवर्ती खुद भी 70 साल के हो चुके हैं और इसी बीच उनके परिवार में उनकी माँ के निधन की खबर आ रही है। उनकी माँ चल बसी है और कहीं ना कहीं एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है और इस दुख की घड़ी में जो है उनके तमाम फ्रेंड्स दोस्त जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो है मिथुन के बेटे ने पोस्ट शेयर किया है और बाकी लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनकी माँ के निधन पे जो है दुख जता रहे हैं।